नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा अध्ययन भाग 2 के बारे में। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल देखते हैं, ठीक है। मानचित्र 1 और 2 पर आपको प्रकाश डालना है। ये आपका मानचित्र 1 है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्दीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। देखिए, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्दीसी ने 1154 में बनाया था। कब बनाया? 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2, ये है आपका मानचित्र 2। ये दिख रहा होगा श्रीलंका, ये आपका भारत। 18वीं सदी के आरंभ में गियोलोम दा लिसलेन के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, ठीक। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदीसी के नक्शे में दक्षिण भारत का उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावलियां देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग में फारसी चलती थी वो आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्यापक व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हमें इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य यानी कि भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। याद रखना है आपको, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जाता रहा है, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम
आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने समय इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा शब्द सीधा साधा शब्द ही लीजिए, हमारे लिए इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो उसे हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत क्या रहे हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। कागज का धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। इन दो प्रसंगों की तुलना करना है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। उसके कागज को सुखाकर इसका इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है, दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर दे देता है। कई बार देखा तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या फिर 14वीं शताब्दी में। तो नॉर्मल सी बात है, 14वीं शताब्दी में आपका कभी कागज आसानी से उपलब्ध होता था और सस्ता भी हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, अभिलेखागार में उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रह कार्य की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसानी से आसान नहीं है। कभी कभी आपने अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होती और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है क्योंकि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखने में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे 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 मोटे महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल
करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई बात नहीं। सदी दर सदी पितलिपियों की भी पितलिपियां बनती रही और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न पितलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई पितलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखकों ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न पितलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। चित्तेक यह एक लघु चित्त की पिति कृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये दिख रहा है, इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या फिर मिनी एचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का उपयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। ये आपका दूसरा चित्र। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाई ओर में और वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिकस्त लिपि दाई ओर अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। आगे बात करते हैं हम लोग। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है लेकिन 1971 के तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी या पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा हुआ था। बात करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नियास्त्रों बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू मक्का मिर्च चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का काल भी रहा है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। आगे हम लोग अध्याय 5, 6, 7 में इनके बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता विवल पराक्रम
और स्वामी स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुक्ता लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। पर्यावास, पर्यावास इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण, वहां के रहने वालों की सामाजिक और राजनीतिक जीवन शैली से है। पर्यावास का अर्थ क्या है? किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था, खेती का इलाका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के एक के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। बात करते हैं क्षेत्र और साम्राज्यों के बारे में। चोल हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे, मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक रहा है शासक। ग्यासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसके एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ये मानचित्र 3 है। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अफसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत। ठीक है, सिंधु, सतलज, ये गंगा यमुना निकल रही है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गए, लक्षद्वीप, यहाँ हिंद महासागर, महासागर, अंडमान और निकोबार द्वीप। इसमें आपके प्रांत थे सिविस्तान,
उच्छ, मुल्तान, कालानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हौसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वारसमुंद, माहाबाद, ठीक है, ये हैं सभी, देख लेना। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग भाषा तथा क्षेत्र के बारे में। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण भारत कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाते थे। जो नाम एक एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो भिन्न है उनके चारों ओर घेरा बना लीजिए। आगे बात करते हैं सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपकी इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विदेशी शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहट चलती रहती थी। कभी-कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलाए विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ऐसे सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की देखेंगे हम। ठीक है, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के दलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप में के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रया स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता है गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे
प्रेमल ईष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना भी भक्ति स्वयं पहुंच सके, भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ की दूसरी परंपराओं के बारे में हम लोग कक्षा इसी साथ की कक्षा सातवीं की अध्याय आठ में ही पढ़ेंगे, ठीक है आगे अध्याय आठ में। यह वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल सातवीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमानों कुरान को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम करुणा उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता था, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती रही। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करना है, समय और इतिहास काल के कालखंडों पर विचार करते हैं हम लोग। इतिहास काल समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिनों या फिर वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय और समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता या दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों एवं कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन एगों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, जो हम लोग बात करेंगे 700 से 1750 तक, इसे हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्य राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर विधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी हमें। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, इसलिए साल काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उसमें उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में पर्याप्त परिवर्तन आते रहे।
कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसमें यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें और भी क्या बदलाव हैं या कैसा है? वैसा ही चल रहा है। तो इससे संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें लगाते रहना। तो याद रखिए आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है। ये बीच शब्द हैं, जैसे आप लोगों ने पांडुलिपि की परिभाषा देखी है, जाति देखे, क्षेत्र देखे, काल विभाजन भी देखे। इस बार एक बार इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, बाद में आप ये क्वेश्चंस देखते रहिए। ठीक, मेरा मानना है जहां तक कि इन जो भी आपकी कक्षा 8वीं तक की बुक्स लिखी गई हैं, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये कहानी का रूप दे दिया है और इसमें बताया गया है कि आपकी कौन सा शब्द की परिभाषा आखिर क्या हो सकती है। ठीक, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका पहला चैप्टर था, क्या था, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल कर ली। आगे दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नए राजा और उनके राज्य।